जेल मंत्री श्री गिरीश चंद यादव जी, इस कार्यक्रम के आयोजक पद्मश्री डॉक्टर दीपा मलिक जी, आयोजक के मुख्य प्रायोजक इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ श्री एस एल जैन जी, प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, इंडियन बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री इमरान सिद्दीकी जी, डीसीसीआई के सचिव श्री रविकांत चौहान जी, स्क्वाड्रन लीडर श्री अभय प्रताप सिंह जी, कोटक लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ श्री महेश बाला सुब्रमण्यम जी, यूनिवर्सल सोम्पो के एमडी एंड सीईओ श्री शरद माथुर जी, सीडीओ आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के श्री अशोक सुमरणा जी, पीसीसीआई के प्रेसिडेंट श्री सुरेंद्र लोहिया जी, डॉक्टर उत्तम ओझा जी, डॉक्टर कविंद्र चौधरी जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागी टीम के सदस्यगण, उपस्थित सभी दिव्यांगजन भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले भारत गणराज्य के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए उनके योगदान के लिए उनका स्मरण करते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से नमन करता हूं। आज जब पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस पावन जयंती के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है, प्रातः काल से अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में आज हम लोगों ने रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया है, राष्ट्रीय एकता दौड़ प्रदेश भर के सभी 75 जनपदों में चल रही है। प्रातः काल हजारों की संख्या में बच्चे, स्कूली शिक्षक, प्रशासन के अधिकारी, जनप्रतिनिधि ये रन फॉर यूनिटी के हिस्से बने थे, और मुझे प्रसन्नता है कि इस अवसर पर दिव्यांग जनों की विशिष्ट क्रिकेट प्रतियोगिता T20 के रूप में भी यहां पर इकाना में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम में आयोजन हो रहा है। मैं इसके लिए आयोजक, प्रायोजक और इससे जुड़े हुए सभी दिव्यांग जन खिलाड़ियों को और सभी दर्शकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति हृदय से बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के प्रत्येक वर्ग के नागरिकों के लिए बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं पहुंचाई हैं। उनका मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह एक नए भारत की नई कहानी को कहता है। स्वाभाविक रूप से शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो। इसमें जाति, मात, मजहब, क्षेत्र, भाषा, लिंग कुछ भी नहीं देखना, हर व्यक्ति को शासन की योजनाओं को प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, और शासन की योजनाओं के बाद
किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति के साथ भेदभाव न हो, वह पूर्णांग हो या अपंग हो, उसके अंदर की ये भावना पूरी तरह दूर हो सके, विकलांग शब्द को दिव्यांग शब्द कहकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नया जोश प्रतिभा से भरपूर हमारे दिव्यांग जनों के मन में पैदा किया है। न केवल उस क्षेत्र में बल्कि नौकरी में उनके आरक्षण के कोटे को बढ़ा करके और उसकी श्रेणी के दायरे को बढ़ा करके भी उन्हें सम्मानित करने का काम किया है। इस अवसर पर T20 क्रिकेट के इस 8 दिवसीय कार्यक्रम को उद्घाटन कर रहे हैं, मुझे इस अवसर पर प्रसन्नता हो रही है कि मुझे जो बताया गया कि कई टीमें इसमें प्रतिभाग कर रही हैं और स्वयं यहां पर तमाम हमारी संस्थाएं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हैं, जिसमें इंडियन बैंक इसका मुख्य प्रायोजक है, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, यूनिवर्सल, सोम्पो इंश्योरेंस, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस भी इस आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं और डिफरेंटली एवर्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया इस आयोजन की मुख्य आयोजक हुई बनी है। मैं इस बात के लिए इस कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर दीपा मलिक को विशेष रूप से हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने अपने स्वयं की परेशानी को नजरअंदाज करते हुए लाखों लोगों के लिए वो एक प्रेरणा बनी हुई है और लगातार वह देश की पहली पैरालंपिक है जिसने देश के लिए मेडल जीता था और यही कारण है कि भारत सरकार ने उन्हें पद्म पुरस्कार के साथ ही अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया। आज वे स्वयं भी इस कार्यक्रम के साथ यहां पर उपस्थित हुई है। अगले 7 दिनों तक लखनऊ वासियों को, प्रदेश वासियों को अपने दिव्यांग जनों के T20 क्रिकेट को देखने का और उसका आनंद लेने का अवसर भी प्राप्त होगा। सचमुच बड़ा रोमांचक कार्यक्रम होगा और इस अवसर पर मैं प्रातः काल से ही मालूम कर रहा था कि कब ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा और मुझे बताया गया 10 बजे ही यहां पर 5000 के आसपास की संख्या आ चुकी थी। लगातार लोग आ रहे हैं अपने इस कार्यक्रम के साथ। आप सबका जुड़ना समाज को और उनकी प्रतिभा को निखारने का एक अवसर प्रदान करता है। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। मैं दिव्यांग जनों का हृदय से अभिनंदन करूंगा जिन्होंने अपनी शारीरिक कठिनाइयों को नजरअंदाज करते हुए देश के लिए और समाज के लिए एक नजीर प्रस्तुत की है और आज वे स्वयं भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, प्रतियोगिता को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं और ये पहली बार नहीं हुआ है। भारत का इतिहास तो इससे भरा पड़ा है, दुनिया का इतिहास भी इससे भरा पड़ा है। भारत के अंदर ऋषि अष्टवक्र को हम किस रूप में जानते हैं, वह भारत के अंदर उनका गुणगान भारत के उपनिषद करते हैं, उनके द्वारा दिए गए मंत्र एक नई प्रेरणा प्रदान करते हैं, एक नया रोशनी भारतवासियों को वहां विश्व मानवता को प्रदान करते हैं। और यही नहीं, मध्यकाल के संत सूरदास जी को कौन नहीं जानता है। भक्तकालीन सूरदास जी ने यानी जन्म से दृष्टिविहीन होने के बावजूद उन्होंने किस रूप में भगवान कृष्ण की भक्ति में जो अपने काव्यात्मक शैली के माध्यम से एक नई प्रेरणा और प्रकाश उस कालखंड में दिया था, यह हम सब के सामने है। तो स्वतंत्र भारत में भी हम लोगों को अनेक ऐसी विभूतियों से मिलने, उनके साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ और दुनिया ने भी देखा है। जब दुनिया के अंदर सुप्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक की चर्चा होती है तो उन स्थितियों में
हम सब इस बारे में जानते हैं कि किस रूप में दुनिया के अंदर स्टीफन हॉकिंग ने अपने ब्रह्मांड की थ्योरी के माध्यम से दुनिया के भौतिक वैज्ञानियों को अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। स्वाभाविक रूप से आज के इस अवसर पर हम सब इस बारे में उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि दिव्यांग जनों के लिए अनेक कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश के अंदर 10 लाख दिव्यांग जन हैं जिनको हम मासिक पेंशन दे रहे हैं और 12,000 रुपए सालाना हम उस पेंशन की राशि उन सभी दिव्यांग जनों को उपलब्ध करवा रहे हैं। उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था, हर जनपद में उनके लिए दिव्यांग जन कल्याण के लिए भी अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में उन्हें कृत्रिम अंग उपकरण वितरण की कार्रवाई हो या अन्य अनेक कार्यक्रम ये उसके साथ जुड़े हुए हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के इस आयोजन के अवसर पर जो अगले 7 दिनों तक यहाँ लखनऊ में चलेगा, मैं यहाँ के इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक, प्रायोजक, इसमें प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों को हृदय से एक बार उनका प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अभिनंदन करता हूँ। उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ और मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ कि उनकी खेल की ये भावना हम सबको सरदार पटेल के उस सपने को साकार करने जैसा लगता है। जब हमारा पैरालंपिक भारत के लिए मेडल जीत करके लेके आया था, कितना गौरव की अनुभूति हर भारतवासी कर रहा था और सर्वाधिक मेडल प्राप्त हुए थे इस बार, और इसीलिए हम लोगों ने ओलंपिक में गए हुए अपने खिलाड़ियों को भी और उत्तर प्रदेश के देश के जो पैरालंपिक के खिलाड़ी मेडल जीते थे और प्रदेश के जिन खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था, इन सब के सम्मान का अवसर हमें प्राप्त हुआ था। हम लोगों ने ओलंपिक में गए हुए खिलाड़ियों का सम्मान इसी कान्हा स्टेडियम में किया था, तो पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मान के लिए हम लोगों ने लखनऊ को मेरठ में जो हमारा स्पोर्ट्स आइटम के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्थली है और प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जहां बनता है मेरठ में आयोजन हम लोगों ने किया था। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार अपने सभी दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। हम सब भी अपनी प्रतिभा और ऊर्जा को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हुए कार्य करेंगे। इस पूरे आयोजन के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।